महाराज की उम्र नादान थी, भेड़ बकरियां चराया करता था और उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तू भेड़ बकरियां चराता है लेकिन एक दिशा उस कालीनाडी जंगल बियाबान की तरफ छोड़ करके कहीं भी चले जाना, उस जंगल में मत जाना। क्यों? क्योंकि श्री भभूता सिद्ध निरंजन नाथ महाराज की शक्ति से पैदा हुए थे, उनकी भभूति से पैदा हुए थे और गोविंद सिंह ने उनकी धर्मपत्नी बीड़म दे ने ये वचन भरा था कि हे महाराज, जो पहला बच्चा पैदा होगा वो आपकी झोली में डाल दिया जाएगा, लेकिन मोह माया के अंदर फंस करके उन्होंने निरंजन नाथ को भभूता देने से इनकार कर दिया। और निरंजन नाथ ने कहा था कि गोविंद सिंह तुम बहुत गलत करते हो, तुम अपने वचनों से मुकरते हो, आज मेरे को भभूता को देने से इनकार करते हो तो देख लेना एक दिन मैं अपनी योग शक्ति से इसे अपने पास बुला लूंगा। और इसी बात का डर था बीड़म देखो, इसलिए भभूता को उस जंगल बियाबान काली नाडी की तरफ जाने से इनकार करती है। एक रोज भभूता सिद्ध भेड़ बकरियों को अपने रेवड़ को लेकर के चला जाता है। काफी समय हो जाता है और बीड़म देखो इस बात का एहसास होने लग जाता है कि कहीं मेरा भभूता उस काली नाडी की तरफ न चला जाए। मन में भय हो जाता है सजनों, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है जब तक अपनी औलाद को देख न ले तब तक माता का कभी पेटा नहीं भरता। ये सच्ची बात है ना, तो आप सभी माता हो एक बार अपनी औलाद के लिए ताली बजा दो, बोली सच्चे दरबार की। वो ऐसे करते करते शाम होने को हो जाती है और भभूता लौटता नहीं, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। आस पड़ोस की दो चार लुगाई उसके पास आती कि बीड़म दे आए तेरी आंखें मासूं नुकरण लगी कि बेबे के बताऊं मेरा बबूता भेड़ बकरियां को लेकर के जंगल की तरफ गया था, शाम हो गई लेकिन अभी तक नहीं लौटा। आए उड़ ऊंचे ऊंचे टिब्बे, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई मकान नहीं। आए उड़ बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े गबेरे आए जंगल भी अवान में खेल मेरे लाल कैसे थी के होगा, कैसे मन ही मन में अपने विचार रखती है और क्या कहती है कैसे उतार। यांसी ये गुड़िया 50 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करती, तहे दिल से धन्यवाद। हाय मेरा गया भभूता पाली, सरप उड़े खेले नाडी मैं। देखिएगा ये भजन ऐसा है, एक माँ और बेटे की ममता के बारे में, और जहां जाते हैं इस भजन की फरमाइश सुनते हैं, इस भजन को जरूर सुनने की कोशिश करते हैं। और वो कहती है कैसे, हाय मेरा गया भभूता पाली, सरप उड़े खेल नाटी में। हाय मेरा गया भभूता पाड़ी, सरप उड़े खेल नाटी में, सरप उड़े खेल नाटी में, सरप उड़े खेल नाटी में। मेरा गया भभूता पाड़ी, सरप उड़े खेल नाटी में।
कर राखी के बेबे आए मेरा छोटा सा यानी उम्र का लाल बेबे मना आज तक कदे भी दूर अपने तो नहीं करया और आज पता नहीं उसको गल के होगा क्या कहती है ये यानी उम्र का लाल मेरा से यानी उम्र का लाल मेरा से कते एक लाना दूर करया से कते एक लाना दूर करया से यानी उम्र का लाल मेरा से कते एक लाना दूर करया से हाय उड़े कोई न पावे रुखाली सरप उड़े खेलना टीम मेरा गया बबूता पाड़ी सरप उड़े खेलना टीम मेरा गया बबूता पाड़ी सरप उड़े खेलना टीम बीड़म दे रो रो के बुरा हाल हो गया अपने बेटे के इंतजार में रोने लग जाती है मन ही मन में सोचती है कि हाँ ये मेरे लाल की कौन खबर ले आवे क्योंकि उड़े तो कोई लवे तब कोई इंसान ही नहीं रहता कैसे क्या कहती है रो माता रुदन मचावे रो रो माता रुदन मचावे कौन खबर मेरे लाल की ल्यावे कौन खबर मेरे लाल की ल्यावे रो रो माता रुदन मचावे कौन खबर मेरे लाल की ल्यावे साल मेरे उठे ममतायाली सरप उड़े खेलना टीम मेरा गया बबूता पाड़ी
तुझे सजा भगवान किसे कसूर की दी है मुझे सजा वो जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या वो जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या ये सच्चाई है क्योंकि माँ के बगैर बेटा सुन्ना होता है जिसका बचपन में माँ बाप का साया उठ जाता है उस बेटे का ये दुनिया में कोई भी हिमायती नहीं होता क्योंकि माँ बाप का प्यार तो माँ बाप का प्यार ही होता है। आंखों में आंसू कैसे क्या कहें साथ कहूँ मैं झूठ कहूँ ना साथ कहूँ मैं झूठ कहूँ ना माँ बिन बेटा हो से सुना माँ बिन बेटा हो से सुना साथ कहूँ मैं झूठ कहूँ ना माँ बिन बेटा हो से सुना सती से की बचपन में माँ चाली छोड़ के जिंदगी आती है मेरा गया भगुता पाड़ी सरप उड़े ये नाटी में हाय मेरा गया भगुता पाड़ी सरप उड़े खेले नाटी में सरप उड़े खेले नाटी में बोली सच्ची दरबार की। देखिए 5 मिनट चाहिए ब्रेक उसके पश्चात